कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज पड़ी होता है उससे। वो अभी चल रहा है कैमरा। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑन आवर सिस्टम। ओके वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके सो एक्सरसाइज नंबर 13.3 जो एक्चुअली हमारे लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको हम कर स्टार्ट किया था कल हमने। ऑप्शनल एक्सरसाइज वैसे भी तो करते ही है ना, तो ऐसा इसके लिए इस क्यों अभी देखो दो एक्सरसाइज आती है ना, मान लो 13.1 13.2 आती और ये एक्सरसाइज ऑप्शनल में होती है ना, तब तो आप कहते हो सर ये कराओ ये कराओ ये कराओ, ये ऑप्शनल में इसमें जा सकता है। और अभी जब ये ऑप्शनल नहीं है, ये मेन पार्ट थी लेकिन इस बार ओमिटेड है, तो इसको आप कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो ऐसे मानो ये ऑप्शनल है, ऐसे मानो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। जैसे एक चैप्टर कौन सा किया था हमने, एपी वाले चैप्टर में हमने लास्ट में ऑप्शनल एक्सरसाइज में से सॉल्व किया था ना, तो उसमें तो उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे और इसमें इसको लेस इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं है ना। चलो तो हमने कल स्टार्ट किया था, द टॉपिक नेम इज कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में बदलना। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इक्वेट द वॉल्यूम ऑफ द बोथ शेप्स, जो भी शेप से कन्वर्ट हो रहा है जिस भी शेप में कन्वर्ट हो रहा है उन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, वहां से मिसिंग एलिमेंट्स अपने को पता चलने वाले हैं। ठीक है, सो आज का पहला क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कोर्स में होता तो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, बट एक्सरसाइज कोर्स में नहीं है तो फिर अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, बट फ्रॉम योर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू या आपके आगे के आने वाले जो करियर में आप मैथ्स को सॉल्व करोगे उसके हिसाब से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ी, इससे भी ज्यादा फोर्थ की है। मतलब हम दोनों को साथ में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, फिर सॉल्व थ्री को अलग करेंगे फोर को अलग करेंगे, बट एक बार दोनों को साथ डिस्कस करने, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा डिफिकल्ट है वो फोर्थ है ना। चलो देखो कुआ खोदने वाले हैं तो एक बार कुएं खोदने की फेज में जाना पड़ेगा मेंटली, कि जब हम कुआ खोदते हैं ऐसे नहीं जाते, ऐसे थोड़े जाते कुआ खोदते है ना, ऐसे सोचना पड़ेगा कि मान लो हम या कोई भी इंसान जब कुआं खोदेगा तो जो मिट्टी निकलेगी उसके इर्द गिर्द क्या एक्टिविटीज होंगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो सुनो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। एट 20 मीटर डीप, तो ऑब्वियसली कुआं खोदेंगे तो हाइट तो होगी नहीं डेप्थ ही होगी। वेल, वेल मतलब कुआं होता है जिसकी डायमीटर, अच्छा कुआ जो होता है सिलेंड्रिकल होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्यूबॉइडल कुआ नहीं खोदता, क्यूबॉइडल टैंक जरूर बनाया जा सकता है, टैंक बना सकते हो आप थोड़ी सी हाइट का, लेकिन एक्चुअली नीचे तक कुआ खोदना है तो सिलेंड्रिकल ही खोदने में वो आएगा करीब करीब। सो उसकी डायमीटर होगी फिर 7 मीटर, सिलेंडर है तो इज डग डिग डग डग सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है ना, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, अर्थ का मतलब यहां से उसकी मिट्टी से है, यहाँ पे अर्थ का मीनिंग उसकी मिट्टी से है, डिगिंग से जो अर्थ मिली यानी कि जो मिट्टी मिली सॉइल मिली उससे क्या किया हमने, उसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया, इवनली होता है बराबर बराबर बिल्कुल बराबर फैला दिया उस मिट्टी को, हमने सोचा भी वेस्ट जा रही है इसको बराबर फैला देते हैं, फैला के हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसको मैं कल से कह रहा था चबूतरा, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, क्यूबॉइडल बनाया इस केस में क्योंकि उसने लिखा हुआ है 22 मीटर बाय 14 मीटर, तो उस प्लेटफॉर्म को उसने क्यूबॉइडल बनाया क्योंकि इसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, 22 मीटर बाय 14 मीटर लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो रेक्टेंगुलर बेस से जो वो सॉलिड बन रहा है वो क्यूबॉइडल बन रहा है इसका पता चल रहा है, तो वो जो प्लेटफॉर्म यानी कि वो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी हाइट को पता करना है, वो उसकी हाइट कितनी होगी, लेंथ पता है ब्रेथ पता है, क्या पता करना है हाइट पता करनी है किसकी, जो सॉलिड बन रहा है, और जो सॉलिड टूट रहा है वो क्या है सिलेंडर, एक तरीके से वो सिलेंडर है, उस सिलेंडर की मिट्टी से हम एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम, समझ गए, सिलेंडर के सारे एट्रीब्यूट्स पता है, डायमीटर पता है तो रेडियस पता है और डेप्थ पता है तो हाइट पता है, इधर इधर जो क्यूबॉइड बन रहा है उसके सारे एट्रीब्यूट्स पता नहीं है, केवल लेंथ और ब्रेथ पता है हाइट पता नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो काफी सरल सा क्वेश्चन था, आई एग्री टू दैट ये सरल सा क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद फिर जब हम इस पे आएंगे
तो थोड़ा सा मुश्किल बढ़ तो एक काम करते चलो इसको खत्म करते हैं एक बार, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा ना, और फिर अपन डिफिकल्ट पार्ट को छुएंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, सिलेंडर से क्या बनाएंगे, क्यूबॉइड। लेट्स से ये तो है कुआं, और फिगर ना भी बनाए तो चल जाएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना देता हूँ। क्या बोर्ड एग्जाम में किसी क्वेश्चन में जरूरी है किसी में नहीं है, इसमें इतना जरूरी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आता तो ये हमारा अर्थ लेवल है, ये अर्थ के नीचे ये सिलेंड्रिकल वेल खुदा हुआ है। ओके ठीक है, और इससे फिर क्या बन रहा है, एक क्यूबॉइड बन रहा है। यानी ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है। ये सिंपल सी बात कहें तो सिलेंडर से क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। ओके, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, जो उसकी डेप्थ होगी, कितना डेप्थ में अपन ने उसको खोदा है, कितना 20 मीटर। ओके सो यहां से लेके यहां तक ये 20 मीटर है, और उसकी डायमीटर कितनी है, 7 मीटर। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 7 मीटर है, ठीक है। अगर इसकी डायमीटर 7 मीटर है तो उसकी ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर। फाइन, इधर आओ, इसका क्या क्या बताया आपने को, क्यूबॉइड का क्या क्या बताया, 22 मीटर × 24 मीटर इसकी लेंथ और ब्रेथ है। तो ये तो हो गई 22 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये हो गई हमारी 22 मीटर लेंथ, और ये कितनी है 14 मीटर 40 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये 40 मीटर। और अपने को क्या पता करनी है, हाइट। तो हाइट जो अपने को पता करनी है उसको कैपिटल एच मान लेते हैं, और ये अपने को पता करनी है क्योंकि हाइट इसमें भी होगी तो उसको स्मॉल एच ले लेंगे, हाइट उसमें भी होगी उसको कैपिटल एच ले लेंगे। तो ये कैपिटल एच इज द एलिमेंट विच वी आर नीडेड टू बी फाइंड, इसको पता कर दो, बस वही आंसर। ओके चलो, सो हाइट इज गिवन दैट, हेड इज गिवन दैट ए प्लेटफॉर्म इज फॉर्म्ड, a cuboidal platform is formed from the earth। जब आप एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हो तो आप टी पोजिशन फ्रॉम यूज करते हो, जब आप उसका एक एक कण उसमें इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है ना, जो भी मिट्टी की मैंने इस्तेमाल कर ली। और लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसमें से आप उसका पूरा का पूरा पार्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें से कुछ एक पार्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप विथ प्री पोजिशन यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि टी इज मेड विथ शुगर, मतलब शुगर का इस्तेमाल करके, इसका मतलब थोड़ी कि शुगर ही शुगर डाल दी, जितना डब्बा था पूरा डाल दिया, पूरा शेप कन्वर्ट नहीं हुआ ना। तो अगर पूरा शेप कन्वर्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। अब इसमें तो पूरी की पूरी मिट्टी ऐसे के इस्तेमाल हो गई तो हम यूज करेंगे फ्रॉम, ठीक है। ए क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्थ डग फ्रॉम द डग फ्रॉम द अर्थ एक मिनट को अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम द अर्थ डग ऑफ ए वेल। क्या बुक की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं कल मनाएंगे क्या, ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेल। शेप हम क्लियर कर देते हैं, ये क्यूबॉइडल है, सिलेंड्रिकल वेल, सच दैट। अब सच दैट के आगे अपन डायमेंशंस लिखना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो सिलेंडर की डायमेंशंस डाल दो आप, तो हाइट क्या क्या गिवन है, हाइट नहीं डेप्थ एंड डायमीटर दो चीजें गिवन है। तो डेप्थ लिखता हूं सबसे पहले मैं, डेप्थ ऑफ द वेल, ये सिलेंड्रिकल वेल, इसको हम लेटर एच से डिनोट करा देते हैं, एंड इट इज गिवन एज 20 मीटर। डेप्थ के बाद अगली चीज डायमीटर, डायमीटर ऑफ द वेल, एंड इसको हम स्मॉल लेटर ही चल रहा है तो सारा सब कुछ स्मॉल लेटर ही चलने दो, स्मॉल लेटर डी, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 मीटर। डायमीटर आते अगली फुर्सत में, रेडियस,
of the well. That is small letter R, and it is equal to small d by 2. That means 10 by 2 meter. So ye well ka sara kaam ho gaya. Diameter se radius aur depth, teenon cheeze aa gayi. And laga ke ab aa jao aap uski length aur breadth likh lo, aur height jo hai wo apne ko pata kar lo. Length of the platform, that is capital L. वो कितनी गिवन है? 22 मीटर, राइट? ब्रेथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल बी, और वो कितना गिवन है? 14 मीटर. वो कितना गिवन है? 14 मीटर. और हाइट जो है वो पता करनी है इसकी. नाउ लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी, इसको ले लेते हैं लेटर एच, अज्यूम कर लेते हैं बी एच मीटर. क्या मान लेते हैं इसको? कैपिटल एच मीटर. अभी कैपिटल एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी. ओके, समझ आया? तो पूरा क्वेश्चन सेट हो गया. ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेट है यहां तक? यहां तो कोई डाउट नहीं है, चल सकते हैं आगे. करते दोनों का वॉल्यूम इक्वेट. अब LHS में रख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ जिसका मिसिंग पार्ट है. हाइट किसकी मिसिंग है? हमेशा मिसिंग एट्रीब्यूट्स रखो यहाँ पे, है ना? और जो बना, जो कंप्लीट है वो RHS में. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, इस तरीके से लिखो ना. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, शेप भी बताओ, क्यूबॉइडल है और ऑब्जेक्ट भी बताओ प्लेटफॉर्म है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, शेप बताओ सिलेंड्रिकल है और ऑब्जेक्ट बताओ कुआ है. ठीक है, चलो फॉर्मूला रख देते हैं. अहद बोलो क्यूबॉइड के वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? क्यूबॉइड के वॉल्यूम को कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच. आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल को क्या लिख सकते हैं? कल पूछ लेना, चैप्टर ही खत्म हो गया पूरा. तो तबीयत खराब हो गई तो क्या पुराने 8-10 दिन का डिलीट हो गया क्या माइंड से? उदित बोलो. पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, वैसे भी इसका सब कुछ स्मॉल लेटर में चल रहा है और बाकी क्वेश्चन में पाई से पाई कट जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कटने का, तो वैल्यू ही रखनी पड़ेगी. कर्व्ड अगर फिगर होता तो पाई की वैल्यू रखने से बच जाते हैं. ठीक है, लेंथ क्या है? 22. ब्रेथ क्या है? 14. एच क्या है? पता नहीं. 22/7. रेडियस क्या थी उसकी? 7. 7/2. अच्छा, 7/2 इंटू 7/2. और हाइट क्या थी उसकी? 20 थी ना. चलो तो पहले तो आपस में मामला सुलटा लो, घर की लड़ाई घर में कर लो और फिर उधर लेके जाएंगे. 11 क्या? 22 से 22 इधर उधर काटते हैं. ओके ठीक है, ये भी ठीक है. तो फिर से आओ, फिर क्या करें? 7 से 7 काट दो, 2 से 10 टाइम्स काट दो, और इस 2 से इसको 5 टाइम्स काट दो. ठीक है, ताकि ये 22 से 22 इधर कट जाए. फिर 7 से भी 2 काट दो, 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम. तो इधर बचा 5, उधर बचा 2, तो 5/2, h इक्वल टू 5/2 मीटर. हेंस द हाइट ऑफ व्हिच इज इक्वल टू 2.5 मीटर. हेंस द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्मड, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्मड इक्वल टू एच इक्वल टू 2.5 मीटर. मैच करो आंसर, है पुरानी बुक किसी के पास? हाँ तो आंसर मैच कर लेना प्लीज. यही है, ठीक है, क्लियर. अब चलें मेन क्वेश्चन.
तो इस क्वेश्चन से एक फील मिल गया कि क्या एक्चुअली वहां पे हो रहा है। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाता है, क्या करने वाले फोर्थ में, क्या करने वाले हम? अच्छा आंसर बता रहे हो, आंसर नहीं करने के वाले, उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं भाई? कुआ ही खोदेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करें। तो हो गया सबका, तो मैं आगे की बात करूं। ठीक है डिलीट करूं। तो पहला मौका आपको दिया, ये क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे, और मुझे तीसरे और चौथे में डिफरेंस क्या है एक्टिविटी में। अरे ये इसको डिफरेंस होता है नॉट डेटा बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड वहां पे क्या डिफरेंस हो रहा है वो पता लगा के बताओ। ट्राइड सर्कुलर कभी भी प्लेटफॉर्म बन सकता है क्या? सर्कुलर रिंग बन रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म की जो शेप होगी वो क्या होगी वो सोचो। प्लेटफॉर्म की शेप सर्कुलर रिंग नहीं होगी, सर्कुलर रिंग भी एक 2D फिगर है। सर्कुलर रिंग ये होता है, देखो सर्कुलर रिंग ये होता है, तो ये तो 2D फिगर हुआ ना। को जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा वो तो एक 3D ऑब्जेक्ट होगा, सिलेंडर, सिलेंडर ही बनेगा। देखो जब मैं कहूंगा ना केवल सिलेंडर, तो बाय डिफॉल्ट वो सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? चलो ये भी आपने एक कदम आगे की बात कर दी, कुछ बच्चों को अभी भी ऊपर से निकल रहा है क्या बातें कर रहे हैं। मेरे को अभी भी वो चीज नहीं बताई आपने जो मेन डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड भाई, उसमें हमने सर ये किया था, इसमें ये किया था, इसलिए इसमें तो ये बन रहा है, इसलिए इसमें ये बन रहा है। आपने आगे की बात तो बता दी कि इसलिए इसमें ये बन रहा है, लेकिन पहले हमने डिफरेंस क्या किया वो तो बताओ। आसपास कैसे निकलेगी? आसपास प्लेस किया है। अब सुनो डिफरेंस, एक तो मैं कुआ खोदूं मिट्टी निकल गई और दूर जाके चबूतरा बना दिए पास, भाई यहां से पानी पिएगा आदमी, वहां जाके पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेगा, चबूतरे सो जाएगा जो भी रागीर होगा आने जाने वाले। एक मैंने क्या किया, कुआ से पानी वो मिट्टी निकली, मिट्टी निकली तो अब मेरे माइंड में ख्याल आया कि अब ये तो कुआ खुद गया, अब तो चलने फिरने वाले लोग गिर सकते हैं इसमें, रात में अंधेरे में कोई यहाँ से निकले गिर जाए तो बच्चा गिर जाए, तो मैंने वो चबूतरा उसी कुएं के आसपास बना दिया हाइट पे से, जो कि आप गाँव में देखते होंगे आज भी पानी निकालने के लिए कुएं के आसपास एक चबूतरा बनाया रहता है, उस पर फिर वो रिंग वगैरह बांध देते हैं। तो वो रिंग तभी बांध सकते हो ना जब एक चबूतरा बना हुआ है, फ्लैट पे कैसे बांध सकते हो? किसी भी पर्पज से मैंने वो चबूतरा उसी के आसपास, उस कुएं के आसपास बनाया है, ठीक है? तो जब मैंने उस कुएं के आसपास बनाया है तो वो सर्कुलर बना, प्लस हाइट मिल गई तो सिलेंडर तो बना, लेकिन उस सिलेंडर के बीच में कुआ भी तो है, तो वो होलो सिलेंडर बना। क्या बना? एक सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर में डिफरेंस पता है ना? सॉलिड सिलेंडर मतलब अंदर से पूरा ठोस है, भरा हुआ है, होलो सिलेंडर मतलब अंदर से खाली है, जैसे आपकी वाटर बॉटल, ये सिलेंडर तो है लेकिन अंदर से खाली है, तो ये होलो सिलेंडर है। ये क्या है? तो उस चबूतरे को एक सिलेंडर मान लें जिसमें हाइट है लेकिन उसके बीच में कुआ भी तो है खाली, है ना? तो वो एक क्या है? होलो सिलेंडर बनेगा, ठीक है? अब डिफरेंस इज दैट कि जैसे ही ऑल अराउंड लिखा हुआ आ जाए, ऑल अराउंड इट, तब तो होलो सिलेंडर बनेगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑल अराउंड इट नहीं लगा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर अगर उसने नहीं कहा कि ऑल अराउंड इट बनाओ तो आप बनाओ कहीं दूर जाके। सवाल एक माइंड में ये भी आ जाता है कि सर ऊपर भी तो हम उसके क्यूबॉइडल शेप का हम उसके आसपास भी तो बना सकते हैं भाई, 22/14 से तो ये पता चल रहा है कि क्यूबॉइडल शेप का प्लेटफॉर्म बन रहा है, लेकिन उसके आसपास अराउंड बन रहा है या दूर बन रहा है ये तो ऊपर भी क्लियर नहीं है, है क्या क्लियर ऊपर? तो सवाल ये होता है कि सर ऊपर भी तो बना सकते थे कुएं के चारों तरफ, तो हम क्यों बनाए जब वो कह नहीं रहा, हम क्यों करें कॉन्सेप्ट को मुश्किल, ठीक है? तो जब उसने कहा हो ऑल अराउंड इट तभी कुएं के ऑल अराउंड इट, उसने नहीं कहा है तो दूरी पे जाके उसके अराउंड नहीं बनाना है।
फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, हम कंचे से बड़ा कंचा बना रहे थे, हम बॉल से बड़ी बॉल बना रहे थे, तो जब उसने नहीं कहा भाई उससे कुछ लेना देना है, तो हमने बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखा भाई, ये तो पिघल गई, खत्म हो गया काम, अब नया बना रहे हैं। तो सिमिलरली इसमें कुछ नहीं कहा गया तो हम कहेंगे मिट्टी निकली, अब तेरा काम खत्म, अब मैं अलग से ऑब्जेक्ट जाके बना रहा हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट में अपने आप में उसको बाय डिफॉल्ट मान लूंगा। लेकिन उसने कह दिया स्पेसिफिकली ऑल अराउंड इट, तब तो अब बनाना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो माय बाप होता है, ये जो कहते हो तो करना ही है ना। ओके, अब उससे भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये तो फिर भी अब थोड़ा सा इजी होगा, क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल वेल है और सिलेंड्रिकल ही, होलो सिलेंड्रिकल ही प्लेटफॉर्म है। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन तब बनेगा जब सिलेंड्रिकल वेल से जो मिट्टी निकलेगी उससे क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड बन जाए, यानी इन दोनों का मिक्सचर, प्लेटफॉर्म बने क्यूबॉइडल लेकिन बने कैसा, ऑल अराउंड इट, कुएं के आसपास बने, वो सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होगा, क्योंकि उस क्यूबॉइड के बीचों बीच जो कुआ आएगा तो उस कुएं का जो फेस है वो क्यूबॉइड के फेस से मैच, फिर कोने बचेंगे, फिर क्या बचेंगे, चार कोने बचेंगे, तो वो क्वेश्चन तो बिल्कुल सबसे अटमोस्ट डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन बन जाएगा, जो इस बुक में दिया हुआ अभी तक तो नहीं है, आज तक आया भी नहीं है, और अब तो फिर भी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, क्योंकि अब तो यही नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपके पास अटमोस्ट लग्जरी है देखा जाए तो बाकी क्वेश्चंस के, बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले जो लास्ट ईयर अपीयर हुए हैं बोर्ड में। ठीक है, शुरू करें अभी इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वैसे भी निकलती थी, वैसे भी निकलेगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि सॉलिड है, जब उसको खोद रहे हैं तब तो वो सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम से मैं इक्वेट करूंगा दूसरे होलो सिलेंडर के वॉल्यूम को। ठीक है, क्लियर आया? ठीक है ना, चलो अब एक बार डायमेंशंस पढ़ते देखें। तो जो कुआ खुद रहा है वो 3 मीटर डग है, मतलब डायमीटर 14 मीटर डीप है, यानी 14 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी और 3/2 उसकी रेडियस हो जाएगी। ये तो सॉलिड सिलेंडर की डायमेंशंस दो चाहिए थी, दोनों मिल गई, आर और एच, खत्म कहानी। अब जो बन रहा है उसको इवनली स्प्रेड कर दिया गया ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। अब सर्कुलर रिंग क्या होता है, जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं तो उनके बीच की जो स्पेस कह लो या उनके बीच का जो शेप कह लो उसको सर्कुलर रिंग कहते हैं। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका कॉमन सेंटर है, तो इनके बीच का जो ये पार्ट है इसको सर्कुलर रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इस सर्क्यूलर रिंग की आपको विड्थ गिवन है, क्या गिवन है, विड्थ बोले तो ये चीज कितनी गिवन है, ये विड्थ 4 मीटर गिवन है। तो इस विड्थ से और अंदर वाले कुएं की रेडियस से बाहर वाले होलो सिलेंडर की रेडियस पता करी जाएगी, समझ गए? इस विड्थ से प्लस अंदर वाले सिलेंडर, अंदर वाला सिलेंडर कुआ है, अंदर वाला सिलेंडर क्या है, कुआ, तो कुएं की रेडियस क्या आ गई 3/2 और ये 4 मीटर विड्थ गिवन है सर्कुलर रिंग की, यानी चबूतरे की चौड़ाई गिवन है, एक तरीके से मान लो चबूतरा कितना चौड़ा बन रहा है, 4 मीटर का चौड़ा बन रहा है ऐसे रिंग टाइप में। ओके, तो उस 4 के साथ जब मैं इसको जोड़ दूं तो बाहर आउटर डायमेंशन मिल जाएगी मुझे होलो सिलेंडर की, क्योंकि होलो सिलेंडर में दो डायमेंशन होती है, एक आउटर डायमेंशन और एक इनर डायमेंशन। तो इनर डायमेंशन तो वही होगी जो सिलेंडर, जो कुएं की डायमेंशन है, जो कुएं की रेडियस है, जो कुएं की रेडियस है वो प्लेटफॉर्म की इनर रेडियस है या नहीं बताओ? जो कुएं की ओरिजिनल रेडियस है वो प्लेटफॉर्म के लिए इनर रेडियस का काम करेगी, और जो प्लेटफॉर्म की आउटर रेडियस बनेगी उसमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इनर रेडियस में इसकी विड्थ को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके उसकी आउटर रेडियस मिलेगी। एक बार आउटर रेडियस मिल गई, इनर रेडियस मिल गई, तो फिर उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर से, और उसको वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी कि इसकी हाइट कितनी है। हाइट ही पूछिए, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट वर्ड जो होता है उसका मतलब ये होता है जो कुएं के आसपास जो चबूतरा बनता है उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट। बैंक मतलब किनारा होता है ना, बैंक ऑफ ए रिवर सुना होगा ना आपने, बैंक मतलब वो वाला बैंक नहीं है जो हम ज्यादा सुनते हैं, वो वाला बैंक नहीं है जो कम सुनते हैं, बैंक, बैंक ऑफ ए रिवर, नदी किनारा। तो जैसे कुएं का किनारा हो गया तो उसको क्या कह दिया, एम्बैंकमेंट, यानी प्लेटफॉर्म की तरह वो किनारा है उसका। ओके, समझ गए? ठीक है, तो उसका एक फिगर तैयार करते हैं, जरूरी देखो आपकी नॉलेज के लिए तो बहुत जरूरी है, बाकी जब आप एग्जाम में आ ही नहीं रहा तो क्या डिस्कस करें, क्यों लड़ाई करें उस बात से।
ज्यादा ध्यान हम इधर दें, इससे बढ़िया। सो ये तो बन गया कुआ, ये तो बन गया कुआ, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है इस पूरे चैप्टर में, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वाले टॉपिक। ये तो बन गया हमारा कुआ, ठीक है, गहरा और चौड़ा। अब इसके आसपास एम्बैंकमेंट बना दे, कोशिश करते हैं। अब सपोज करो ये तो है हमारा नहीं अर्थ लेवल, इसमें ये मानो अर्थ लेवल, ये मान लो इससे नीचे की हाइट है। एक बार एक एक बेस और बना दो उसका, ठीक है। अभी ये हमारा अर्थ लेवल, ठीक है। तो ये कुआ मतलब यहां से लेके यहां तक है बस, ठीक है, ये अर्थ लेवल आ गई। अब अर्थ लेवल से ऊपर बनेगा ना चबूतरा, तो नीचे थोड़ा बनेगा, अर्थ लेवल से ऊपर बनेगा चबूतरा। तो जो चबूतरा बनेगा लेट से उसकी हाइट ये हो गई, उसकी हाइट ये हो गई जो बची हुई ऊपर वाला पार्ट है, और वो सर्क्यूलर रिंग टाइप में, वो किस टाइप में है, आई होप यू कैन इमेजिन ये कैसा। उनकी बातों पे ध्यान कम दो, ठीक है। तो ग्राउंड से ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है, एक होलो सिलेंड्रिकल फॉर्म, समझ आ रहा है। ये ग्राउंड लाइन नहीं दिख रही, एक मिनट, सिलेंडर यहां तक है, फिर ये नीचे क्या कर रहा है, ये 3D को 2D में बनाने का जुगाड़ है, ठीक है। क्यूबॉइड को टेढ़ा बनाते हैं, क्यूबॉइड को टेढ़ा बनाते हैं तो टेढ़ा होता थोड़ी ना, नहीं होता ना, वो 3D को 2D में बता कि वो कोई भी चीज अपन टेढ़ी बनाते हैं तो वो 3D में दिखाई देती है, तो 3D में दिखाने का एक जुगाड़ है, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ आया। ग्राउंड लेवल को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, देखें तो ये ग्राउंड ठीक है, ये तो हो गई हमारी, ये तो हो गई हमारे इसकी हाइट, ये तो हो गई हमारे कुएं की हाइट, ठीक है, बोलो। यस सर। ये तो कुएं की हाइट हो गई, तो कुएं की हाइट मना बताओ कितनी दे रखी थी कुएं की हाइट, ये तो कुएं की हाइट 40 मीटर बेटा, कुआ यहां से लेके यहां तक है ना, ग्राउंड है ना, ये तो ग्राउंड के ऊपर चबूतरा बन गया, उसके कुएं की हाइट में चबूतरे की हाइट शामिल नहीं होगी, ग्राउंड से कुएं की हाइट नहीं है, पहली बात कुएं की डेप्थ है, तो कुएं की डेप्थ क्या होगी, जमीन से लेके नीचे जितना खुदा हुआ है, जमीन ये ब्लैक वाली लाइन है, यहां से नीचे कितना खुदा हुआ है, इतना खुदा हुआ है 40 मीटर, समझ आया, ठीक है। और इसकी विड्थ बताओ, मतलब डायमीटर बताओ, ये इसकी डायमीटर है, कितनी मीटर है, 3 मीटर, कृतिका एंड अनब, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, नो, बोलो बोलो, कोई कंफ्यूजन, बोलो बोलो, कंफ्यूजन बता रहे हैं मैं, नहीं उससे पीछे वाली, हाँ अच्छा, ये कंफ्यूजन है, ठीक है, ओके चलो देखो। तो ये जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर, ओके। अब ये रेडियस 3/2 मीटर होगा, तो इधर देखो स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन पे देखो, सब लोग सब कुछ छोड़ के, ये 3/2 है, तो ये भी 3/2 है, मतलब मैं इसमें लेफ्ट साइड बना रहा हूँ जान करके, क्योंकि राइट साइड ज्यादा कंजेस्टेड लगे, मैं लेफ्ट साइड बना रहा हूँ। तो ये जो मैंने अभी लाइन खींची है, ये कुएं की रेडियस है, तो वो चबूतरे की इनर रेडियस है, कुएं की रेडियस बराबर चबूतरे की इनर रेडियस। और इसकी विड्थ कितनी गिवन है, सर्कुलर रिंग की विड्थ कितनी गिवन है, 4 मीटर है ना, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो विड्थ है ये 4 मीटर है, और कलर चेंज कर लो डिफरेंट ब्लैक, ठीक है। तो ये 4 मीटर है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 4, हालांकि वो जस्टिफाइड नहीं लग रही, क्योंकि 3/2 का मतलब होता है 1.5,
तो ये 1.5 मीटर बड़ी और 4 मीटर छोटी जस्टिफाइबल तो नहीं है, बट ठीक है अभी जो बन गया ठीक है। तो ये टोटल आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी आउटर रेडियस, ऊपर माफ कर देता हूं, ये लो ये आउटर रेडियस हो जाती है हमारी, 4 तो ये और 3/2 अंदर, 4 तो ये 3/2 अंदर, तो 4 + 3/2 जो भी आंसर है बोलो कहता होता है 4 + 3/2 4 × 2 = 8 + 3 11/2 11/2 मीटर आउटर रेडियस आ चुका उतरेगा। डन, बोलो समझ आया कि ये चीज, बोलो ये चीज समझ में आई। देखो ये जो यहां से देखो फिर से कृतिका जैन, देखो यहां से लेके यहां तक ये 3/2 मीटर है रेडियस ऑफ वेल, तो जो वेल की रेडियस है वो चबूतरे की इनर रेडियस है ठीक है। फिर 4 मीटर विड्थ गिवन है आपको एम्बैकमेंट की, जो उसकी सर्कुलर रिंग की चौड़ाई है, तो इसके अंदर ये जोड़ दूं इनर रेडियस में विड्थ जोड़ दूं सर्कुलर रिंग की, तो आउटर रेडियस बनेगी किसकी, जो होलो सिलेंडर है जो प्लेटफॉर्म है ठीक है। तो 4 + 3/2 ऐड कर दो तो 11/2 आएगा ऊपर ठीक है, थोड़ा क्लियर है जल्दी। तो करीब करीब फिगर रिलेटेड वर्क तो हो गया है, चलते हैं अब क्या कह रहे हो, नहीं बन पा रहा, मैंने बेटा आपके सामने ही बनाया अभी, ऐसा तो नहीं कि घर से बना के चिपका दिए, हाँ उसी वेल से बना, उसी अर्थ से बनाया। कैसे बनाया, सपोज करो कोई ऐसी जमीन है जहां पे काली मिट्टी है तो उस पे केस कर देना एनसीईआरटी पे, कि मिट्टी से तो केवल बन ही नहीं सकता ठीक है अभी, हाँ तो उस पे कर देना आप केस ठीक है, सीमेंट वाले पे कर देना ठीक है ना, रमेश जी ललवाड़ी वालों पे कर देना, हमारे तो सीमेंट वहीं से आता है, बोला कि आपने सीमेंट क्यों नहीं दिया हमारे चबूतरे के लिए ठीक है, या फिर एनसीईआरटी पे कर देना एज यू विश, अभी के लिए करो फटाफट मुझे बैंक जाना है, आ जाओ। हेट इज गिवन दैट, तो रिलेटेड वर्क सारा हो चुका है। अच्छा इसकी हाइट जो है मुझे पता करनी है, इसकी हाइट देखो यहां से लेके यहां तक, दिस हाइट को अपन, अब देखो लेटर्स डिसाइड करो क्विकली, लेटर्स डिसाइड करो, जो इसके आर और एच होंगे तो स्मॉल लेटर ले लेते हैं, पाई आर एच स्मॉल लेटर ले लेते हैं, जो चबूतरा है उसके पास क्या क्या डायमेंशन होंगी, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो स्मॉल आर तो स्मॉल आर से मैच करेगी है ना, कैपिटल आर जो हो गई निकाली ली हमने 11/2, और जो इसकी हाइट होगी वो हमको पता करनी है, इसकी हाइट को ले लेते हैं हम कैपिटल एच ठीक है, हो गया काम। तो इसकी हाइट यहां से लेके यहां तक ये कैपिटल एच है जो हमको पता करनी है, माफ करो ये हाइट आपको पता करना, चलो अब नोट डाउन करना स्टार्ट करो। तो सबसे इजी काम इसका है वेल का, तो पहले वेल के डायमेंशंस लिख देते हैं, हेयर इज गिवन दैट, हेट इज गिवन दैट, सबसे पहले क्या लिखें, हाइट लिख देते हैं, डेप्थ लिख देते हैं, डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल या डेप्थ ऑफ द वेल, दैट इज कैपिटल डी, ओ स्मॉल डी, कितना गिवन है 3 मीटर, नहीं सॉरी डेप्थ को तो अपन हाइट कहते हैं ना, कैपिटल एच वो कितना गिवन है 14 मीटर, और डेप्थ के बाद अब डायमीटर उसको कहेंगे स्मॉल डी, एंड डायमीटर ऑफ द वेल, तो डायमीटर को स्मॉल डी और उसको जो डायमेंशन है वो 3 मीटर है उसकी, डायमीटर के बाद आ जाइए सो करके लगाइए, सो रेडियस ऑफ द वेल दैट इज स्मॉल आर and that is equal to small d by 2 which is equal to 3/2 meter, हो गया इतना काम। अब वेल का सारा काम हो गया, सब बीमार पड़े हुए हो, कैसे बीमार हो जाते हो, हिम्मत कैसे होती है अभी बीमार होने की, बेटा नुकसान आपका है किसी का भी नहीं है, याद रखना बीमार पढ़ लो खूब पढ़ लो मेरी तरफ से, किसी का भी नहीं है और किसी को कोई सिंपैथी भी नहीं है, अपने को लगता है कि यार मैं बीमार हूँ शायद सर को सिंपैथी होगी, मुझे तो कतई नहीं, मुझे पसंद ही नहीं बीमार लोग ठीक है ना,
बीमार होना आपकी गलती है, आप अपनी गलती की वजह से बीमार होते हो। बिल्कुल, बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो केयर करते होंगे, भाई इस मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी का पता है, फिर भी जैसे सपोज करो हम बाहर से आए, पानी पी लिया ठंडा, अभी इस समय फ्रिज का पानी तो अवॉइड ही करो, अगर कोई पी रहा है तो 100% बीमार होगा, है ना। और एसी कूलर में सोना बंद कर दो बिल्कुल, मैं तो फैन भी नहीं चलाता हूँ इस समय, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेरी बॉडी ऐसी कि चेंजिंग वेदर के टाइम में बीमार होता ही हूँ। सबको अपनी बॉडी का लक्षण पता होता है, इतने मासूम बच्चे भी नहीं होगी नहीं पता है, तो फिर पता करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो बताएगा आपको कि आपके बॉडी किस टाइप की है, आपको कैसे एनवायरमेंट में रहना चाहिए। अभी हार्दिक पांड्या इंज्योर हो गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, किसकी गलती? खुद की गलती, ढंग से ध्यान देता। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, चलाता ढंग से गाड़ी, बाहर है, अब टीम में वापसी मुश्किल है उसकी, टीम में वापसी मुश्किल है, ये हालत है। अब एडी करता रहे, पैसे तो देखो मिल जाते हैं, पैसे तो एक भीख मांगने वाले को भी मिल जाते हैं, बट डज इट मैटर? पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इज्जतदार तरीके से पैसा कमाना मुश्किल है। समझ गए ना, एक ऐसा प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपकी इज्जत करें। अभी वो एड से पैसे कमा रहा है तो उसकी इतनी वाहवाही थोड़ी ना हो रही जितना वो खेल के पैसे कमाता। समझ गए? तो अगर आप आपके किसी भी प्रोफेशन में अनफिट होते हो, अनवेल होते हो, बीमार होते हो, सोली यू आर रेस्पॉन्सिबल एंड नो वन एल्स, आप ही को अपना ध्यान रखना है, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि मम्मी पापा ध्यान रखें। ठीक है, सही हो जाना भैया, नहीं तो मुर्गा बना दूं, पनिशमेंट मैं भी दूंगा अगर तुम बीमार हो गए तो, याद रखना। आप दोगे तो फिर बीमार होने से बचूंगा ना। ओके चलो, आप अभी चबूतरे पे चलते हैं, वहां पे वार्तालाप करते हैं, बाकी कुएं से बाहर आ गए, चबूतरे पे बैठ जाओ। हाँ, एंड तो जो चबूतरा होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा वो, अच्छा इसमें अपन ने ये तो लिखा नहीं, यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी ना अपन ने, कर क्या रहे हैं, ये तो डायमेंशन लिखना शुरू कर दिया अपन ने डायरेक्टली, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, पहले सुन लो, ऐसे ही सुन लो, यही लिखेंगे कि एन एम्बैंकमेंट अराउंड ए वेल, एन एम्बैंकमेंट अराउंड ए वेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्थ डग फ्रॉम द वेल सच दैट, फिर ये डायमेंशन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक्टिविटी क्या हुई वो तो लिख ली, चलो तो अब एम्बैंकमेंट के बारे में बताएं, तो एम्बैंकमेंट की हाइट तो हमको पता करनी है, वो तो लेट मान लेंगे लास्ट में, और क्या क्या पता है, इसकी विड्थ पता है, इसकी विड्थ पता है, एंड विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसको कोई लेटर मार्क मत करो, एज इट इज लिख दो, कितनी गिवन है, 4 meters, ठीक है। चलो, लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट बी कैपिटल एच, लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट बी कैपिटल एच मीटर, कैपिटल एच मीटर, या तो फिर ये दम होना चाहिए कि इंजर होने के बाद भी लड़ सके, जैसे कि मैक्सवेल लड़ा अभी एक दो दिन पहले, है ना, ठीक है ना। अब इंजर होके हम बैठ जाए साहब, हम तो इंजर हैं, हमसे तो पढ़ाई नहीं होगी, हम तो बीमार हैं, तो फिर कुछ होना भी नहीं आपका, या तो बीमार होके भी पढ़ाई करने का दम होना चाहिए, उसी तरीके से, इवन बेटर तरीके से। Oh, so let the height of the embankment be h meter. But वो ground के अंदर injure हुआ, ठीक है ना? एक आप अपने ऐशो आराम में injure हो रहे हो, कहीं चलते फिरते ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? शादी में गए थे वहां बीमार हो गए, वो acceptable नहीं है। पढ़ाई करते, ज्यादा पढ़ाई कर ली उसमें बीमार हो गए, वो फिर भी ठीक है। ठीक है चलो आओ। So now. कोमा में बैठे बैठे तो नहीं जा सकते, से बैठा है कोमा में चला गया, कुछ कांड किया है, कोमा में कब जाता है, जब कुछ हैवी एक्सीडेंट हुआ हो तभी तो जाएगा, तो ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हो कि हैवी एक्सीडेंट हो आपके साथ, अपना ध्यान रखो ना। चलो तो नाउ वॉल्यूम ऑफ मिसिंग किसका है, एम्बैंकमेंट का ना, एम्बैंकमेंट का एक पार्ट मिसिंग है, हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल।
अब मुझे बताओ एम्बैंकमेंट एक होलो सिलेंडर है, एम्बैंकमेंट एक होलो सिलेंडर है, और किसी भी होलो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना हो तो उसकी आउटर डायमेंशन को कंसीडर करते हुए वॉल्यूम निकालो माइनस उसके इनर डायमेंशन को कंसीडर करते हुए वॉल्यूम निकालो। इसकी हाइट सेम दे रखी है, इनर आउटर नहीं है, वैसे तो हाइट भी इनर आउटर होती है लेकिन इसमें उस चीज को कंसीडर नहीं किया गया तो हम हाइट को कॉमन मानेंगे, इनर की हाइट भी कैपिटल एच एंड आउटर हाइट की भी कैपिटल एच, लेकिन रेडियस इसमें डिफरेंट है। हमने निकाला कहां? नहीं निकाला ना अभी तक, नहीं निकाला, निकालो निकालो। तो बोलते याद याद क्यों नहीं दिलाते हो, वेट के बाद ही निकालना है, चलो हाइट के बाद निकाल लो ना। एंड वैसे तो ये अजम्पशन करने से पहले निकालना है, हाइट का अजम्पशन करने से पहले निकालना है, लेकिन अब लिख दिया तो कोई बात नहीं। नाउ आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कराएंगे, दैट इज कैपिटल आर। उसकी वैल्यू आएगी स्मॉल आर प्लस विड्थ, और स्मॉल आर जो उसकी रेडियस थी कितनी थी 3/2, और विड्थ कितनी थी 4, 4 × 8 प्लस 3 11/2 मीटर। अब लिखिए नाउ, नाउ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, सो एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम मैंने बताया होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर के लिए आउटर डायमेंशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें आउटर डायमेंशन आउटर रेडियस ले लें तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, समझ आया, और एच इसकी कैपिटल ली हमने, और माइनस इनर डायमेंशन को रेडियस लें तो पाए स्मॉल आर स्क्वायर एच। सही किया क्या मैंने? एक मिनट रुको, एच कैपिटल ही आएगा क्या? देखो हाइट इसकी दोनों जगह कॉमन है, समझ आ रहा है ना, हाइट इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट इनर आउटर नहीं ली गई तो कैपिटल एच रहेगा, लेकिन इसकी रेडियस इनर आउटर ली गई है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर को कंसिडर करते हुए जो वॉल्यूम आएगी माइनस स्मॉल आर को कंसिडर करते हुए जो वॉल्यूम आएगी। ठीक है आ जाइए नेक्स्ट, और उधर उधर तो वेल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सारे लेटर स्मॉल चलेंगे चलेंगे, क्योंकि अगर गलती से देखो अगर मैं इसको स्मॉल एच लिख दूं कि सर आउटर डायमेंशन कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल एच और इनर डायमेंशन स्मॉल आर और स्मॉल एच लिख देते हैं तो एक्चुअली आपने कुएं की हाइट ले ली, फिर तो ये इससे एड होकर 2 πr² हो जाएगा, है ना, तो वो बिल्कुल ही एक ऐसी चीज हो जाएगी जो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइबल, कैपिटल एच आएगी, है ना। इधर एम्बैंकमेंट की हाइट आ रही है वो कुएं की हाइट है, स्मॉल एच क्या है कुएं की हाइट, वो केवल उधर रहेगी। चलो अब इसमें से पाई तो सब में से उठाओ और कॉमन निकाल के बताओ, देखो यहां से पाई और एच कॉमन, अंदर क्या बचता है, और वहां एक बार के लिए पाई और पाई आर स्क्वायर एच ही लिखो, तो पाई से पाई को खत्म हुआ और बाकी के फिर वैल्यूज पुट अप करो, बाकी के वैल्यूज पुट अप करो, बोलो कैपिटल एच तो पता करना है ना, कैपिटल आर कितना है 11/2 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 3/2 का स्क्वायर, और स्मॉल आर अगेन कितना है बताओ 3/2 का स्क्वायर, इधर तो 3/2 × 3/2 लिख दो उसको, और स्मॉल एच कितना है, डेप्थ कितनी थी कुएं की 40, ठीक है इधर पहले सॉल्व करो थोड़ा सा, 11/2 का स्क्वायर यानी 121/4, 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, यानी कि 121 में से 9 गया तो 112 आया बाय 4, उसको और काट दो तो 4 × 3 = 8, 4 × 3 = 12, 23, उधर क्या है 3/2 सेम लिखो 3/2 × 3/2 × 14, हाँ चलो काट दो 7, तो 3/2 × 3 × 7 हो जाएगा ना, 3/2 × 3 × 7, और कुछ नहीं कट रहा 3/2 × 3 × 7, 23 आएगा, 4 × 8 = 28 आएगा, 28, ठीक है ना। अब ठीक है तो अब 28 से 7 से 7 से काट दो उसको भी, है ना, 7 से 1 टाइम 7 से 4 टाइम, तो 4 को उधर ले जाओ तो कैपिटल एच की वैल्यू आ गई 3 × 3 / 2, तो ऐसे ही, और 4 और नीचे आ जाएगा 8 हो जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप में, तो 3 × 3 = 9/8, इसको सॉल्व कर सकते हैं 1.125। क्लोजिंग स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं, हेंस द हाइट ऑफ द
embankment is height of the embankment, जिसको हमने कैपिटल एच माना था, इक्वल टू हाउ मच, 1.125. आंसर डन, क्लियर है क्या बच्चों? ऑल क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे इस एक्सरसाइज के लिए, आज से हमने किए, और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे भी उठपटांग तरीके से आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में टोटल? तो अब बाकी क्वेश्चन स्पीडली हो जाएंगे, ये दोनों अच्छे थे। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होते वो देखेंगे, अब दिवाली से पहले होता है या बाद में वो मैटर करता है। आज क्या है? 9, 10 और 11 को तो बुला ही रहे हैं। मैंने कहा था 11 को मॉर्निंग में बुला के छुट्टियां करेंगे, 10 को तो इवनिंग में बुलाएंगे, 11 को मॉर्निंग में बुलाएंगे। मॉर्निंग में क्या करोगे? छोटी दिवाली शाम को मनाओगे ना, सुबह सुबह मनाने निकल जाओगे क्या? सुबह उठते पहले ही थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस, नाइस डे, गेट प्लस।